धनक के देखने वालों को मोइन अख्तर का सलाम कबूल हो। साहब बड़े मैंने रूप बदले, कभी कुछ बन जाता हूँ कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी फ़कीर होता हूँ कभी बादशाह होता हूँ, फिर बादशाह से फ़कीर हो जाता हूँ, कभी मर्द से औरत हो जाता हूँ, कभी औरत से बूढ़ा हो जाता हूँ। ये सब आपके लिए करता हूँ कि आप खुश हों, किसी तरह से थोड़ी सी परेशानियों से दूर हो जाएं। टेलीविज़न से मेरा एक शो चल रहा है, उसका नाम मेरे ही नाम पर रखा गया है। अब इसे ये मत समझिएगा कि कोई बच्चा है किसी का, वो कहते हैं ना कि जी इसका बच्चा हुआ है, इसका नाम उसके नाम पर रखा गया है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मेरा ही बच्चा है, इसलिए मेरे नाम पर रखा गया है और इसका नाम है मोइन अख्तर शो। आइए आपको दिखाता हूँ मोइन अख्तर शो। आज हमने अपने स्टूडियोज में एक पुलिस वाले को बुलाया है, आइए हम उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बता सकते हैं कि पुलिस का मतलब क्या है? पुलिस का मतलब जो है वो आप नहीं समझ सकेंगे। पुलिस का मतलब है 2500 रुपए तनख्वाह, पुलिस का मतलब है टूटे हुए कटरों में रहना, पुलिस का मतलब है 18 घंटे ड्यूटी करना, पुलिस का मतलब है एक एक वर्दी को जो है वो 6-6 महीने तक पहनना, ये है पुलिस। अच्छा, वैसे पतलून तो आपने पुरानी, लेकिन शर्ट तो आपकी बहुत कड़क है। हाँ जी बस है। अच्छा, ये शर्ट किसी और की है। तो ये आपने कोई स्टार्स वगैरह नहीं लगाए? ये एक लंबी स्टोरी है, इस पर ना डिस्कस करें तो अच्छा है, इसलिए कि मैंने एक असल मुजरिम को फाड़ लिया सी। अच्छा। मैं असल मुजरिम फाड़ लिया सी, ये उसके जुर्म में है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अब इतने आगे निकल गए हो कि असल मुजरिम को पकड़ने लग गए हो। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये माशाल्लाह आपने मोबाइल रखा हुआ है? ये माफ कीजिएगा, ये जो है मेरा नहीं है, ये एक प्राइवेट मुजरिम का है, उसने मुझे दिया था कि अगर कभी मैंने कोई लोग पाए जाए तो मैं फोन कर लूंगा जी। अच्छा, ये बताइए ये जो आप तफ्तीश करते हैं, इसमें आपके जो तरीके हैं वो बहुत पुराने हैं, मतलब दे आर नॉट, वो साइंटिफिक नहीं है। देखिए ये अमूमन सवाल होता है, लेकिन एक जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ, साइंस का और तफ्तीश का क्या ताल्लुक है? है कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस में बम बनाया जाता है, साइंस में कंप्यूटर आता है, साइंस में तफ्तीश किधर से आ जाती है? आप लोग टीवी के लोग हैं, आप लोग जब ऐसी गैर पढ़ी लिखी बातें करेंगे तो वहां पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको समझाता हूँ, जरा मेरे पॉइंट को सुने आप। जो हमारी तफ्तीश जो है वो एक डिफरेंट चीज है और ये जो साइंस है ये अलग है। देखिए हमारे उसमें तफ्तीश में साइंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है एक स्पेस। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, स्पेस। अब आप कहेंगे स्पेस का ताल्लुक जो है वो तो साइंस से है। बिल्कुल है। नॉट दैट स्पेस, वो स्पेस दी मैं गल नहीं कर रहे हैं, ये स्पेस मुख्तलिफ है। ये एक ऐसी जगह का नाम है जिसमें सुकून हो, इत्मीनान हो, जिधर हम मुजरिम को ले जाके हम उसको इत्मीनान और सुकून के साथ में चित्रहल करें, दैट इज तफ्तीश। अच्छा अच्छा, ये है। अच्छा ये बताइए कि ये जब आप कहीं छापा मारने जाते हैं तो ये आप सायरन बजाते हुए क्यों जाते हैं? गलत कह रही हैं आप, सायरन जो है एम्बुलेंस बजाती है। हाँ। हमारे में सायरन है ही नहीं, और जो है वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो उनकी आवाज इतनी पैड़ी है कि वो जी नफरत हो जाती है अंदर बैठे हुए लोगों को। मैं आपको बहुत बताता हूँ, असल में होता ही है कि जिधर छापा मारने जाते हैं 4-6 बजे पहले जिधर रुक के उधर क्वार्टन करते हैं एरिया को, उसमें इतने हम लोग आवाज निकाल देते हैं, ओए दौड़ो, ओए ओए फजे तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ओए इधर असला लाओ, ओए गाड़ी के थले जाओ, भाई इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं मुजरिम जो है वो होशियार हो जाता है। मैंने अपने डिपार्टमेंट को एक सजेशन दी, मैंने कहा कि तुम इस तरह करो कि बताया ये लोग शोर मचाते हैं, शोर को दबाने के लिए हर जितने भी मोबाइल ऑयल है, मेरा मतलब मोबाइल है, उसके ऊपर जो है वो टेप रिकॉर्डर लगाया जाए, टेप रिकॉर्डर लगाएं और उसमें एक ही गाना बजाएं, लो जी हम आ रहे हैं तीतड़ तीतम, लो जी हम। इसका देखिए आपको बजाय ये बात माहौल लगेगा कि क्या बेवकूफी की बात कर रहा हूँ, गाना बजे लो जी हम आ रहे हैं, इसका फायदा ही होगा कि मुजरिम समझेगा कि W11 गुजर रही है, उसमें टेप चल रहा है। अच्छा, हम उनको थम्बू कर लेंगे जाके, फड़ फड़ लेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा टेप रिकॉर्डर जो है वो लोगों के घरों के अंदर बजने लगेंगे, गाड़ी में नहीं होंगे, छोड़ो। अच्छा, अभी आप ये कह रहे थे कि हम नई सदी में जा रहे हैं, न्यू मिलेनियम में जा रहे हैं हम, तो ये न्यू मिलेनियम में जाने के लिए, देखिए अब मैं आपकी बात को जो है यहीं पे ठीक करता हूँ। ये जो आप कह रही हो ना न्यू एल्यूमिनियम में जाने के लिए, हम तो बहुत पहले जा चुके हैं, मेरे घर में जो है 1967 में एल्यूमिनियम के बर्तन आए थे, तो हम तो 67 में एल्यूमिनियम में जा चुके हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं एल्यूमिनियम की नहीं, मैं मिलेनियम की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं समझे एल्यूमिनियम की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये 21st सेंचुरी में जाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या तरक्की होना चाहिए? कुछ नहीं तरक्की होनी चाहिए हम लोगों के पास। देखिए बात ये कि पुलिस की एक मजबूरी भी है, पुलिस की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए,
है जी, पुलिस के को जदीद असले से लेस करने चाहिए, पुलिस के पास गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार होनी चाहिए, पुलिस के पास जो है तालीम होनी चाहिए और उनके पास कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन जी सामने वाला जो है जो बंदा है वो चालीस गोलियां निकाल देता है जी, हम एक गोली को ऐसे करते हैं ठकाक ठुकूक एक गोली बांटते हैं उसके अंदर 15 मिनट के अंदर एक फायर होता है। कुछ लोगों के पास है, जदीद भी है लेकिन कम है, उनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए, इस तरह शायद हम एल्युमिनियम में जा सकते हैं। हाँ जी, ये बताइए कि आपका आवाम के लिए क्या पैगाम है? मेरा आवाम के लिए सिर्फ एक पैगाम है कि पुलिस का है फर्ज मदद अपने आप की। मैं गलत कह गया, मेरा ख्याल है, मैं रिपीट करता हूँ, इसको करवा दीजिएगा। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी पुलिस की मदद करें।